आपने मैगी का परौंठा बहुत तरीके से देखा होगा, लेकिन इस तरीके से आपने मैगी का परौंठा बनाकर नहीं खाया, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और साथ ही ये मैगी का परौंठे की रेसिपी खास करके बच्चों को से ज़्यादा पसंद आता है, तो आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। रोज़ रोज़ अगर एक ही तरह के परौंठे खा के हो चुके हैं बोर, तो आप इस मैगी के परौंठे की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं नाश्ते में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मैगी का पैकेट ले लिया है। एक मैगी में आपके 2 से 3 नॉर्मल साइज के परौंठे बन जाएंगे, और साथ ही अगर आप बड़े साइज के परौंठे बनाएंगे तो उसमें 2 ही परौंठे बन पाएंगे। एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने डाला है आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, यानी कि 1.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि जब हम मैगी को बॉईल करेंगे तो हम इसका पानी को फेंकेंगे नहीं। पानी को रख लिया बॉईल होने, जब तक हमारा पानी बॉईल होता है तब तक हम सबसे पहले मैगी का जो पैकेट है उसको खोल लेते हैं, और मैगी को थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे। हमारा ये पानी भी अब बॉईल हो चुका है, और अब हमने इसमें ऐड कर देना है पहले मैगी मसाला, और फिर हमने ऐड करना है इसमें मैगी को। मैगी को हमने इसके साथ तब तक पकाना है जब तक कि इसमें जो अच्छे से सूख नहीं जाता है, तब तक हम मैगी को पकाते रहेंगे। इस तरीके से मैगी बनाई जाती है, उसी तरीके से इसको बना लिया, लेकिन इसमें मैंने पानी का मात्रा कम रखा है, क्योंकि परौंठी का जो स्टफिंग तैयार होगी तो वो गीली नहीं रहेगी, ड्राई रहेगी। तो मैगी को हमने अच्छे से अल्टा पलटी करके इसको घुमा के इसको बॉईल कर लेना है। मैगी भी हमारी कुक हो चुकी है और इसका जो पानी है वो भी सूख चुका है। अब हम इसको रख देंगे ठंडा करने, तो आप चाहे तो इसको बाहर रखे भी ठंडा कर सकते हैं। तो मैंने इसको जल्दी से ठंडा करने के लिए इसको फ्रीज में रख लिया था 5-7 मिनट के लिए। जब तक मैगी ठंडा होता है तब तक मैंने इसके लिए प्याज, हरी मिर्च भी मसालों को तैयार कर लिया है। मैगी भी अब हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अब हमने इसमें डाला है एक छोटा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही 2-3 हरी मिर्च मैंने ऐड की है बारीक करके। आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक होता है, साथ ही हम इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे तो उसमें भी नमक होता है, तो नमक हम उस हिसाब से ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच डाला गरम मसाला, और साथ ही हमने एक चीज़ क्यूब को इसके अंदर घिस के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हमारा जो है मैगी का परौंठे के लिए स्टफिंग बनकर तैयार हो चुका है। हमने जो नॉर्मल आटा रोटी के लिए गूंद के रखा हुआ था, उसी में से नॉर्मल पेड़ा ले लिया, उसको बेल के उसके अंदर हमने लगा लेना है घी, और उसके बाद जो मैगी का स्टफिंग है उसको उसके अंदर स्टफिंग करके परौंठे को कर देना है फोल्ड, और उसके ऊपर सूखा आटा लगा के उसको हमने नॉर्मल इसी तरीके से बेल लेना है। आसानी से बन जाता है, आसानी से बेल जाता है, ना ही तो ये फटता है, ना ही मैगी बाहर आती है, ना ही कई लोग मैगी को बॉईल करके बनाते हैं फिर उसका पानी ड्रेन करते हैं, लेकिन उस तरीके से मैगी मसाले का जो टेस्ट है वो नहीं आ पाएगा। मैगी का जो परौंठा है उसको अच्छे से बेल लिया है, उसके बाद हमने इसको तवे के ऊपर डाल के इसको हमने घी लगा के अच्छे से सेक लेना है जब तक कि ये पके ना। उसके बाद हमारी बहुत ही डिलीशियस मैगी का परौंठा बनकर तैयार हो चुका है। आई होप आज की ये मैगी के परौंठे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक बार ही इस स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मैगी की ये परौंठे की रेसिपी कैसे लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ऐसी रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।